सो यार, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी स्किन में जो कोलेजन की मात्रा है वो खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि आपकी जो स्किन है वो नीचे लटकने लगती है, जिसे हम शैगिंग ऑफ स्किन कहते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं धूप में तो उससे भी आपकी स्किन के कोलेजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे कि इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है और स्किन लूज होने लगती है और लटकने लगती है नीचे। अगर आप अपने स्किन केयर में एक स्किन टाइटनिंग क्रीम प्लस एक हेल्थी डाइट एंड प्रॉपर यूवी प्रोटेक्शन ऐड करते हैं तो आप अपनी स्किन को वापस से प्लंप एंड यूथफुल बना सकते हैं। सो कौन से स्किन विटामिन जरूरी है स्किन टाइटनिंग के लिए, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, जो कि बहुत सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है, रेटिनॉल, रेटिनॉइड एंड रेटिन ए। रेटिनॉइड्स विटामिन ए से ही ड्राइव होते हैं और ये एक टॉपिकल फॉर्म है विटामिन ए का। ये आपकी स्किन में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं और बहुत सारी एंटी एजिंग क्रीम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी स्किन में कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने में और साथ ही साथ आपकी स्किन के सेल टर्नओवर रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपकी जो रिंकल्स हैं और फाइन लाइंस हैं उनका अपीयरेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी स्किन है जो वापस से प्लम्प एंड थिक होने लगती है, जिससे कि जो आपकी जो लटकी हुई जो स्किन है वो वापस से धीरे धीरे रिस्टोर होने लगती है। फिश ऑयल सप्लीमेंट यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप स्पिनच, कैरेट, ब्रोकली, एग्स, चीज, पपाया, अवोकाडो एंड मैंगोज एंड मेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा विटामिन है B9, जिसे हम फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। फॉलिक एसिड क्या करता है? फॉलिक एसिड आपके कोलेजन प्रोडक्शन को हेल्प करता है, जिससे कि आपकी स्किन में जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो बढ़े, और ये आपके बीन्स में एंड दालों में बहुत ही ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, ये आपके सिट्रस फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल है। थर्ड विटामिन है विटामिन सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन सी में स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सो ये आपकी स्किन को एक टाइटनेस एंड फर्मनेस प्रोवाइड करता है और आपके जो डार्क सर्कल है अंडर आइज में उसको भी थोड़ा सा ये हेल्प करता है लाइट करने में, और ये आपके बहुत सारे सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेपफ्रूट, पाइनएप्पल एंड पपाया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एज स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन इनको भी दूर करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आई एम श्योर आप ये बात नहीं जानते होंगे। सोर्सेस ऑफ विटामिन डी है कॉड लिवर ऑयल, मशरूम, एग योक एटसेट्रा। विटामिन ई, जिसे आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इट्स अ ग्रेट एंटीऑक्सीडेंट। आप में से हर सभी को जो है स्किन के लिए, हेयर के लिए विटामिन ई खाना चाहिए डेली बेसिस पे, एंड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखें इनके बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, और ये एंटी एजिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। ये आपकी स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है एंड इम्पोर्टेंसी जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। इसके जो सोर्सेस हैं, स्पिनच है, आलमंड्स है, सनफ्लावर ऑयल है, अवोकाडो है, पीनट बटर है, ब्रोकली है, ऑलिव ऑयल है। विटामिन के अपने स्किन बेनिफिट्स के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपकी जो स्किन में जितना भी डैमेज है उसको हील करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके स्ट्रेच मार्क्स को, डार्क सर्कल्स को, स्पॉट्स को एंड स्ट्रेच मार्क्स को भी लाइटन अप करने में अच्छा होता है, बिकॉज ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को काफी बढ़ा देता है। ठीक है, सो जो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम है आप जरूर ट्राई कीजिए। सो ओवरऑल ये आपकी हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है, साथ ही साथ ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इसके जो सोर्सेस हैं वो है, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हाइलोरोनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये कोई विटामिन नहीं है, लेकिन अगर हाइलोरोनिक एसिड की बात करी जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी स्किन को सपल एंड मॉइस्चराइज रखने के लिए। सो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो आपको हाइलोरोनिक एसिड बेस्ड क्रीम या सीरम्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अपने स्किन केयर रूटीन के अंदर। सो आज की वीडियो में यार मित्रों से इतना ही था। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।